हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्यू न्यूज में। गाइस, धार्मिक पर्व के अवसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ और अलग अलग आधार और अलग अलग कामनाएं लेकर आते हैं। वे छोटा त्योहार हो या फिर कुंभ मेले जैसा बड़ा त्योहार, त्यागी और तपस्वियों के लिए तो कुंभ मोक्ष का मार्ग है, तो वहीं ग्रस्तों के लिए उनके परिवार के कल्याण की कामना का सुनहरा अवसर है। भक्तों के लिए ईश्वर की खोज का मौका और व्यापारियों के लिए व्यापार का अवसर है। गाइस, आपको बता दें कि कुंभ मेलों में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योग समूह अपने अपने प्रमोशन के लिए एक व्यापक प्रचार का मंच और अधिक लाभ का रास्ता ढूंढते हैं, इस विशाल जन समूह में सनातन धर्म ही है जो लोगों को सादगी से जीना सिखाते हैं। जैसे महाकुंभ में लोग इकट्ठे होते हैं, इस जन समूह में गंगा स्नान जरूरी होता है, तो वहीं अन्य पूजा पाठ और पूजा की सामग्री को प्राप्त करना भी पुण्य माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ शनि दशा से लाभ और सुख समृद्धि के लिए भी लोग कुंभ में आते हैं। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि काले घोड़े की नाल का धारण करना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि काले घोड़े की नाल को शनि की दशा, महादशा, साड़ी सती और या शनि देव की ढैया, ये शनि ग्रह की वो दशाएं हैं जो माना जाता है कि हर इंसान के जीवन काल में जरूर आती है और कष्टकारी भी होती है। शनि की इन दशाओं से राहत पाने के लिए ही काले घोड़े की नाल का बना छल्ला पहनने की सलाह ज्योतिषियों द्वारा दी जाती है। काले घोड़े के पैरों में शनि का विशेष प्रभाव माना गया है, इसलिए काले घोड़े की नाल लेने की सलाह दी जाती है। हर की पेड़ी, कुशा घाट, ब्रह्मकुंड, बिरला घाट आदि जगहों पर काले घोड़े की नाल बहुतायत में बिक रही है। यहाँ बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि कुंभ में बहुत अधिक पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग सीधे उनसे खरीद रहे हैं और सामान्य विधि विधान से धारण कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया है कि शनि ग्रह की दशा से पीड़ित लोग नाल की तलाश में इधर उधर भटकते हैं ताकि असली नाल हासिल कर सके। हरिद्वार कुंभ में लोग यहां सभी प्रकार की पूजा की सामग्री भी प्राप्त कर रहे हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।